Delhi Environment Minister Gopal Rai, along with Transport Minister Kailash Gehlot and Revenue Minister Aatishi, have chaired a meeting of all concerned departments to ensure compliance with instructions given by the Supreme Court regarding air pollution in Delhi. Naveen Ashant is joining us for more on this story. Naveen, what has transpired in this meeting? दिल्ली के जो मंत्री हैं गोपाल राय वो अभी के समय एक हाई लेवल मीट कर रहे हैं दिल्ली सेक्रेटेरिएट में, और मीटिंग में जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं कैलाश गहलोत, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो हेड है आतिशी वो मौजूद है। इसके अलावा जो तमाम डिपार्टमेंट है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो एनवायरमेंट हो, तमाम डिपार्टमेंट्स के जो सेक्रेटरीज हैं वो मीटिंग में मौजूद है। और मीटिंग में इस बात पर चर्चा की जा रही है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो कंसर्न जाहिर किया है पॉल्यूशन को लेकर दिल्ली में, उसे लेकर क्या कुछ करने की जरूरत है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने कई मुद्दों पर टिप्पणियां की थी, चाहे वो पराली का मुद्दा हो, चाहे वो ऑड इवन स्कीम हो, तो इन तमाम चीजों को लेकर जो मीटिंग है वो की जा रही है। और कोशिश ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी गाइडलाइन जारी की है, जो भी टिप्पणियां जाहिर की हैं, उसका इम्प्लीमेंटेशन कराना चाहिए दिल्ली में अभी के समय। तो इसे लेकर एक हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि पता होगा कि 13 नवंबर से दिल्ली में ऑड इवन स्कीम शुरू होने वाला है। और कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ऑड इवन स्कीम के जो रिजल्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, तो ऑड इवन स्कीम को कैसे एक बेटर वे में इंप्लीमेंट किया जाए दिल्ली में, इसे लेकर भी मीटिंग में चर्चा जो है वो हो रही है अभी के समय। जी बिल्कुल। और नवीन, जैसे आपने कहा कि ये बैठक अहम है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश पारित किए थे, जो ऑब्जर्वेशंस किए थे, काफ़ी सख्त थे, उन पे आज चर्चा हो सकती है। क्या कोई और कदम भी उठाए जा सकते हैं इस मीटिंग के पश्चात? देखिए, सबसे जरूरी अभी के समय दिल्ली में ऑड इवन स्कीम है, जिसे 13 नवंबर से लागू करना है, और ऑड इवन स्कीम को लेकर बहुत सी तैयारियां करनी होती हैं, क्योंकि गाड़ियां बंद होने के बाद जो फुटफॉल है वो कहीं ना कहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे यहाँ पड़ता है, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भीड़ देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसे भी दुरुस्त करने की जरूरत है, उसकी संख्या बढ़ाने की जरूरत है। तो तमाम चीजों लेकर जो मीटिंग है वो की जा रही है। इसके अलावा जो व्हीकुलर पॉल्यूशन होता है, यानी गाड़ियों के जो धुएं से निकलने वाला प्रदूषण है जी, उसे भी कम करने की कोशिश अभी के समय दिल्ली सरकार कर रही है, और इस मीटिंग में उस पर भी चर्चा की जा रही है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.